काजळलावने आले मी आज असन का बघू आहो येते मला लाज केला शृंगार आज घातलं साज दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीश चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ क्लोज आता वाईट मान वरती ओके राईट फोटो काढतो असा होणार ज्याने वातावरण टाईट मस्त खुशी मध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट माझा होऊ दे पगार गिफ्ट करतो रिंग लाईट नको मला चहा खारी आता जेवण करून जाईन सेलिब्रिटी तू मी तुझा पीए बनून राहीन येणार सेल्फी साठी क्राऊड मला फील होणार प्राऊड जाशील इन्स्टा वर लाईव आणि मी कमेंट करत पाईन करीन कष्ट माझ्या पैशाने घेणार मेकअप किट राजा होणार मी इन्स्टाची स्टार हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा कार किती मी क्यूट किती गोड किती छान दिसते मी भारी राजा फोटो माझा माझी सिंपल नसले जरी डिंपल हिरोईन दिसते मी हिरोईन थोडे दिवस थांब अशी लाईन लागेल लांब मी पण बनूनच दाखवीन हिरोईन माझी चाशणी तू माझी खास मी तुझा समर्थक उद्या पण आज मी बोललो किस मी ती बोली आज नाही बनू नको म्हणे इम्रान हाशमी माथ्याची टिकली पैंजण बांगडी हिऱ्याची अंगठी मारुती कारवी चांदीचं कंगण सोन्याचं गंठन करीन गिफ्ट करत मजाक नी पुरी करीन तुझी हर एक विश नको करू शंका ना सवाल हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती भारी म्हणे फोटो माझा गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती भारी म्हणे फोटो माझा कार जो ग्लोबली जाऊ मैं पूरी है तू फायर नहीं तू
journey. जावे लगे बाज दी चों जहर हाथ नहीं आंदा जट नहीं फड़ लेंदे इफ दे कट गैसोलीना फुला टैंकी हाथों विच बूझे महंगी दे लाउंदे जांदे अड़िए लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे भाई क्या मैच था यार मैं मैच देख रहा था यार मैं जल्दी आने वाला था माफ कर देना मैं लाइव जल्दी आने वाला था मैच देख रहा था यार क्या सेक्सी मैच था मैच रॉनी भाई रॉनी मिस्टर रॉनी वो ब्यूटीफुल व्हाट मोर कैन आई से मैन रॉनी क्या बोलूं यार क्या रॉनी के बारे में क्या बोलने का है रॉनी के बारे में यार क्या बोल सकते हैं Ridiculous man. Ronnie OP every day is Ronnie day. Ronnie, क्या बात है? Sky का result, ये क्या hoodie है? This is skeleton hoodie by Delusion. This was gifted to me by Miss Muskan. क्यों gift किया मेरे को पता नहीं. Delusion hoodie नाम है इसका दिखा देता हूँ. So it's gifted to me. Yeah, it's called skeleton hoodie. I like it. Very nice. आवाज आ रही है थोड़ा सा मैं माइक टच करता हूँ आवाज चली जाती है माइक आवाज आ रही है क्या बात है एंटी रॉनी आई थिंक इवेंट इज नाउ बिटवीन मिस्टर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड मिस्टर टीम सोल सो अरे मिस बोल रहा था यार मिस बोल रहा था गलती से मिसिस निकल गया यार मिस बोल रहा था ठीक है मिसिस निकल गया गलती से और आफ्टर व्यूइंग बोन ऑनलाइन शी गिफ्टेड यू बोन हुडी बोन ऑनलाइन क्या मतलब यार इट इज मान्या वर्सेस मावी आई थिंक एक ही दिन बचा है ना अभी फाइनल्स का दो दिन बचे है मेरे को याद नहीं है आज बस गाना गा दो सुनो आज का प्लान मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरी बात सुनिए आज का प्लान ऐसा है कि हेलो हाँ अभी देख रहा हूँ कहाँ भेजा है कौन सा डीएम भेजा है अरे कौन सा डीएम भाई स्ट्रीम पे हूँ मैं कौन सा डीएम आया नहीं है कुछ वो लास्ट वाला डीएम है तो हाँ तो कर सकते हो उसके बारे में स्ट्रीम के बाद बात टू नू 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 नू
साथु पलांबर को जानते हो? नहीं यार, साथु पलांबर मतलब समझा नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, जो भी पॉइंट्स है लिख के रखो, स्ट्रीम के बाद देखते हैं। सुन सुन, आदि को बुलाइए, जो भी प्रॉब्लम्स तेरे वाले प्रॉब्लम्स है ना, आदि को बुलाओ, आदि ही सॉर्ट कर सकता है, या अमन, अमन को बोलता हूँ मैं, रुको। ओ नेवर माइंड, एक्चुअली अमन इधर है नहीं, अमन घर चला गया, आदि ही सॉर्ट कर पाएगा जितना भी है। कैंपर रोनी, रंडी रोना शिवम, आए मैचेस अभी वन गेम को 10 मिनट है स्टार्ट होने के लिए। What's up? How is it going? Can you suggest some games in order to start for? मेरे को पता नहीं यार, मेरा पूरा YouTube चैनल वॉच पार्टी पे बना हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर हाउ टू डू इट। साउंड लो है, किधर कहाँ लो है? आओ, साउंड इज हाई। What is this X blind shit? I don't know, I don't care. मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट द ऑडियंस डजेंट लाइक, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, आई विल नॉट से एनीथिंग मोर अबाउट दिस। इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन पर्पज दैट द ऑडियंस डज नॉट लाइक एंड इफ द ऑडियंस गिव्स यू हेट फॉर इट, डू नॉट कम क्राइंग टू मी सेइंग सोल ऑडियंस इज टॉक्सिक। ऑडियंस आपको महीनों से, अभी नॉट इवन डेज, आई एम गोइंग टू से एक डेढ़ दो महीनों से बोल रहे हैं कि मत करो ये चीज़, सोल को एक्सप्लाइंड मत बोलो। अगर तुम ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जिससे ऑडियंस को तकलीफ हो रही है, और फिर तुमको अगर ऑडियंस हेट देगी, तो फिर मत बोलना कि ऑडियंस को तुम लोग ऐसे करते हो वैसे करते हो। मैं ये चीज़ अब 2-3 बार स्ट्रीम पे बोल चुका हूँ कि अब मत करो तुम लोग। इट इज़ नॉट अबाउट वॉट हैपन्स इन PGL और सम अदर इवेंट, दिस इज़ नॉट PGL, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ टीम सोल, वेर ऑडियंस इज सो मच कनेक्टेड टू टीम सोल, जहाँ पर टीम सोल के हारने पर लोग लिटरली रोए हैं, जहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है लोगों को, कि उसके बाद अगर ऑडियंस तुमको हेट दे और तुमके इंस्टा के कमेंट्स में आए और तुम्हारे यूट्यूब के कमेंट्स पे आए, तो प्लीज़ डू नॉट कॉल सोल ऑडियंस टॉक्सिक। इट इज़, मैं बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, फिर बोलना मत कि ऑडियंस को तुम लोग क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो। मैंने लास्ट 3-4 स्ट्रीम में ऑडियंस को बोला है कि प्लीज़ जो भी है आप इस चीज़ को इग्नोर करो, इसके बाद भी अगर ऑडियंस कुछ करे तो फिर बोलना मत कि टीम सोल के ऑडियंस टॉक्सिक है। टीम सोल के ऑडियंस बहुत समझा चुकी है, आप अगर नहीं समझ रहे हो इस बात को तो फिर बोलना मत, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने किसी और टीम को नहीं देखा है बोलते हुए एक्स TSM एंटिटी या एक्स एंटिटी। अगर अभी भी इसको टीम एक्स ब्लाइंड ही बोलना है तो आप बोलिए, बट फिर जो रिएक्शन आएगा उस पर फिर आप मुझे मत ब्लेम करना, या हमारे मैनेजमेंट को ब्लेम मत करना, या हमारे ऑडियंस को ब्लेम मत करना। अगर हमारे ऑडियंस को ब्लेम किया तो फिर मैं झगड़ने पर आ जाऊँगा, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ और कुछ नहीं। भाई लेग फ्रैक्चर की सेकेंड टाइम सर्जरी होगी कल, अंदर से धक धक हो रहा है, एडमिट इन हॉस्पिटल एंड एंजॉइंग योर स्ट्रीम्स, लव फ्रॉम इंदौर। अरे हो जाएगा, धक धक नहीं होना चाहिए। मैंने जितना सुना है ना कि ऑपरेशन वगैरह के टाइम जितना तुम लोग अंदर से रिलैक्स रहोगे ना, मेरे को बहुत मैंने सुना है ये कि इट हेल्प्स इन योर सर्जरीज बींग पॉजिटिव। आई नो इट्स, मतलब आई डोंट नो, मैंने, मेरे को बहुत डॉक्टर्स ने बोला है कि इट डेफिनेटली हेल्प्स बींग पॉजिटिव, मेंटल एटीट्यूड रखना अच्छा होता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर सर्जरीज, इवन इफ द स्मॉलेस्ट सर्जरीज। तो धक धक मत करो, रिलैक्स रहो, ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, ट्रस्ट योर सर्जन, आई थिंक इट विल गो वेल, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द स्ट्रीम्स ऑल्सो, आई होप आई कैन मेक योर डे अ लिटिल बिट बेटर, बट या डोंट वरी, इट विल बी ऑल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ यार, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कास्टर्स को जो बोलना है बोले, बट क्लियरली यार, मतलब आपकी ऑडियंस एक चीज़ पसंद नहीं कर रही है कि आप मत बोलो उस चीज़ को, तो आप फिर वो ज्ञान मत दो कि यहाँ पे वैसे चलता है वहाँ पे वैसे चलता है। ऑडियंस फिर हेट देगी, और फिर ऐसा हेट देगी ना कि वो नहीं हो पाता, मेरे से भी नहीं हो पाता। जब मेरे को कोई सामने वाले और क्या किसी के फैन बेस मेरे को जब हेट देती है ना, मेरे से भी हैंडल नहीं हो पाता, तो आपसे भी हैंडल नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आप प्लीज़ बोलना मत कि हमारी ऑडियंस टॉक्सिक है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अगर उस दिन मैंने RCB को मजाक मस्ती में बोल दिया, ऑडियंस को नहीं पसंद आया, क्लियरली उनको नहीं पसंद आया, ऑडियंस ने मेरे को बोला कि नहीं भाई, मार चोट देंगे तेरी भोसड़ी के अगर RCB को कुछ बोलेगा, तो उसके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ ना,
मैं समझ गया, मेरी ऑडियंस को नहीं समझ अच्छा लग रहा है वो, इवन दो वो बैंटर में स्नैक्स के साथ इन पर्सन करता रहूँगा, फ़ोन करके उसको चिढ़ाऊँगा, वो मेरे को चिढ़ाएगा अगर मुंबई इंडियंस हारेगी तो, बट मैं ऑडियंस के सामने नहीं करूँगा क्योंकि ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा है। फिर मैं वो जानबूझ के करूँगा, फिर ऑडियंस मेरे को भरेगी, फिर मैं बोलूँगा कि आरसीबी ऑडियंस टॉक्सिक है। डज नॉट मेक सेंस, दैट इज़ नॉट सेंसिबल, दैट इज़ नॉट हाउ अडल्ट्स एक्ट, है ना, इज ऑल आई एम सेइंग, इज ऑल आई एम सेइंग। इफ यू क्लियरली नो योर ऑडियंस इज नॉट लाइकिंग समथिंग, डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। हम कोई आंडू पांडू ऑर्ग नहीं है जिसको तुम कुछ भी बोल दोगे और सुन के लेंगे, ऐसा नहीं होता। सोल के ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड है एक साथ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये लोग। तो अगर एक दो महीने से आपको बता रहे कि मत करो मत करो मत करो मत करो, तो मत करो। अकाउंट वॉज पैरेडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्विटर अकाउंट, आई नो इट इज़ अ पैरेडी अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्विटर अकाउंट, इट वॉज मैंशनड इन चैट समवेयर कि पीजीएल के कैस्टर में ऐसे होता है, और दो तीन साल पहले की भी बातें करते हैं, करते होंगे यार, इंटरनेशनल इवेंट है वो, इंडिया में अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा तो मत करो, बस मत करो, इतना मैं बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं अच्छा लगता यार, वी आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड ऑल्सो, वी आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड ऑल्सो, वी आर एसोसिएटेड विद आईकू, वी आर आंसरेबल टू अवर स्पॉन्सर्स ऑल्सो। तो इफ़ वी हैव सिलेक्टेड पहले ही सब कास्टर्स को, हम लोग ने एक डायरेक्टिव देके रखा है कि कॉल इट आईकू सोल, नॉट इवन टीम सोल, कॉल इट आईकू सोल, टू डू दैट, नो डू दैट, क्यों ज़रूरत है, क्यों उड़ता तीर लेने की क्यों ज़रूरत है, मेरे को नहीं समझ में आता। उड़ता तीर क्यों लेना है, आ बैल मुझे मार क्यों करना है, मुझे नहीं समझ में आता। मैं गुस्सा नहीं हूँ इस बात से, मैं बस बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये हेट मिलेगा तो प्लीज़ हम लोग के ऑडियंस को कुछ मत बोलना। बहुत सिंपल है टू जस्ट इग्नोर नॉट सेइंग समथिंग। हम लोग भी स्ट्रीमर्स हैं, वी नो व्हाट वी कैन से जिससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, जो चीज़ें में हम लोग को नहीं घुसना चाहिए, हम लोग नहीं घुसते यार उस चीज़ों में। इवन दो वी नो क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए, हम लोग वो चीज़ों में नहीं घुसते, घुस सकते नहीं घुसते, वाई, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, वी डोंट वॉन्ट शिट टू हैपन। तो इट इज़ वेरी इजी, डोंट डू इट, इट इज़ जस्ट डोंट डू इट प्लीज़। बहुत लंबी बात होगी इसके बारे में, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, प्लीज़ जस्ट डोंट डू इट, प्लीज़ अवॉइड इट इफ़ यू कैन। There is no reason to call Team Aiku Soul X blind. It has been 3 months. 3 months now. There is absolutely no reason. We have a brand we are answerable to. Aiku Soul is Aiku Soul. There is no X blind. I hope I am clearing it. ठीक है? Yeah. 4 months. 4 months कैसे हो गए भाई? Jan, Feb, March. 3 महीने हो गए. क्या बात कर रहे हो? 4 months कैसे हो गए? 3 महीने हो गए। आज का प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दोस्तों, ऑनेस्टली मैं आपको एकदम ऑन द फेस क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे को कुछ छुपाना नहीं है, मेरे को पैसा कमाने का है, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे को पैसा कमाने का है। फर्स्ट मैच के बाद मैं रूटर शिफ्ट करूँगा, रूटर प्रो नहीं शिफ्ट करूँगा, सिर्फ रूटर शिफ्ट करूँगा, ठीक है? इट विल बी रूटर फ्री फॉर ऑल टू वॉच। फर्स्ट मैच यूट्यूब पे करूंगा, फिर रूटर शिफ्ट करूंगा, बाकी जितने भी मैचेस है, आई थिंक गॉडलाइक टीम सोल एक ही ग्रुप में, यस एज यू कैन सी ओरंगुटन भी एक ही ग्रुप, तो सब मैचेस में एक ही साथ होगा। इसके बाद फर्स्ट मैच के बाद मैं रूटर शिफ्ट करूंगा, नॉट अ रूटर प्रो स्ट्रीम, अ रूटर नॉर्मल स्ट्रीम। आई विल शो यू माई लिंक ऑल्सो हियर, अगर आपको चाहिए तो। क्लियरली बता रहा हूँ, मैं कुछ छुपाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसे खत्म हो रहे हैं मेरे अकाउंट से, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इसके लिए मैं रूटर लिंक पे जाऊँगा। जिसको मेन चैनल पे देखना है यूट्यूब पे, वो इनके चैनल पे जाके देख सकता है, जिनको रूटर पे मेरी वॉच पार्टी देखनी है आप आके रूटर पे देख सकते हो। बट फर्स्ट गेम के बात करूँगा, नॉट अ रूटर प्रो स्ट्रीम, इट विल बी अ रूटर नॉर्मल स्ट्रीम। मेरा लिंक देना प्लीज़, ठीक है? मतलब क्लियरली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को पैसा कमाना है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कुछ छुपा के नहीं रख रहा, फ्री स्ट्रीम है, प्रो स्ट्रीम नहीं है, जो भी आना है आके देख सकते हैं, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को पैसा कमाना है। यूट्यूब पे आती है सुपर चैट, बट वो इतना मज़ा नहीं आता जितना आना चाहिए। अभी समझ रहे हो, गाड़ी वाड़ी का ईएमआई भी मेरे को कंप्लीट करना है, ये साल पे फटाक से कंप्लीट करना है, तो आई वॉन्ट टू गो टू रूटर आफ्टर दिस, ओके? वेरी ऑनेस्टली ऑन द फेस आई एम टेलिंग यू। इनके लॉजिक से तो आधी बीजीएमआई कम्युनिटी एक्स 8-bit होती है, पर उनका लॉजिक और इनका क्या, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को बाकी टीम्स किसी को क्या ये लोग बोल रहे हैं मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। 8-bit सोल TX, प्लीज़ ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ऑडियंस अगर एक चीज़ आपको बोल रही है कि आप मत करो, तो आप प्लीज़ मत करो। कितना सिंपल है कि वाई डू यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू कॉल सोल टीम X blind? Why? There is no reason.
There is no reason to do it. Why do you have to go out of your way to make somebody mad? क्यों? So simple. मत करो ना, मतलब ठीक है ना, you are also a caster. Make sure the audience enjoys your casting. Why do you want to take hate unnecessarily? कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा वो चीज, नहीं समझ में आ रहा मेरे को. बट ओके, इफ यू वांट टू डू इट यू डू इट. मैं वही क्लियरली बता दिया कि हेट मिलेगा तो प्लीज डू नॉट कॉल आउट टीम सोल का ऑडियंस. वी हैव अ सुपर फकिंग इनसेन, इनसेनली इमोशनल ऑडियंस. प्लीज डू नॉट कम आफ्टर अस इफ समबडी सेज समथिंग. एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ क्लियरली, डोंट गिव हेट. वापस बता रहा हूँ, बट ब्रो डू नॉट. एंड आप अगर करो, मतलब और कुछ नहीं मैं बोल सकता, और कुछ मेरे को बोलना नहीं है. स्काई स्पोर्ट्स अच्छा चल रहा है, आई थिंक एक पॉइंट का डिफरेंस है, काफ़ी अच्छा चल रहा है. आई डोंट नो इफ विल विन और नॉट, बट लास्ट तीन चार इवेंट से वी हैव बीन द टॉप कंटेंडर्स. मैच चालू हो रहा है, वी हैव बीन द टॉप कंटेंडर्स राइट टिल द एंड. एंड वो देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. दिस टीम इज द बेस्ट टीम इन द कंट्री राइट नाउ. किसी को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने, वो उसके ऊपर है. वी आर द बेस्ट टीम इन द कंट्री. काफ़ी अच्छा लग रहा है द वे दे आर प्लेइंग. लास्ट चार पांच इवेंट से दे आर यू नो कंसिस्टेंटली #1 #2. मतलब आप सारे इवेंट देख लो, कभी एंटिटी के साथ कॉम्पिटिशन, कभी ओजी के साथ, अभी जी के साथ चल रही है, बट वन नेम इज कॉन्स्टेंट विच इज आइकू सोल. तो आई एम वेरी हैप्पी. व्हाट्सअप कपूर, वेलकम टू द स्ट्रीम, लॉन्ग टाइम नो सी. व्हाट्सअप, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के द वे टीम सोल इज प्लेइंग. आज हम लोग ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं, मैं चेक करके आया हूँ, एक सेकंड. ये होंगे कि नहीं, ये भी आने वाला वो बताएगा. शेडो क्लैश होगा कि नहीं होगा, वो तो भिंचो. और इधर तो मैं बैकग्राउंड के साथ ये हो रहा हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं. ब्रो आई वांट टू बिल्ड अ वाइब टुडे विद आर 90s ओजी सॉन्ग. हैव यू हर्ड बॉम्बे वर्किंग सॉन्ग्स? ऑफ कोर्स मैन. इफ यस प्लीज कैन यू प्ले टू सॉन्ग्स? छोड़ दो आचलन, क्या सूरत है. अरे यार अब भी तो स्ट्रीम चालू हुई है, अभी से तुम लोगों को गाने चाहिए यार. मेरे को अरिजीत का फोन आया था उस दिन, कल मुश्किल जरूर है, बट बोलता मेरे नेक्स्ट कॉन्सर्ट के टिकट्स कम बिक रहे. स्ट्रीम विम पे चुतिया पे करना बंद कर दे बहन के लंड. सीधा बोला उसने, सीधा क्लियरली बोल दिया उसने, मत कर भोसड़ी के ऐसा बोला. बोलता मत कर, टिकट्स कम बिक रहे थोड़े. अरिजीत सिंह, हाँ वही वही अरिजीत सिंह, बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट. और गायक क्या बात यार कप्पा भाई, थैंक यू यार. नहीं ले रहे हम लोग वैलो स्क्वाड का, कोई प्लान नहीं है वैसे, बट थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट इट. बोला कि नहीं हो पाएगा. क्या गाना है, क्या सुनना है तुमको? छोड़ दो आचल, छोड़ दो आचल, वो वाला गाना. जमाना क्या कहेगा, काफी ज्यादा डैमेज. तुम चली जाओ नाने दीवाना, वो वाला ना गा सकते हैं यार, आता है मेरे को, टेंशन नहीं है. रूटर पे गाएंगे, रूटर पे कॉपीराइट नहीं पड़ता, एड रेवेन्यू थोड़ा बहुत आता है, वो भी लौड़े लग जाते हैं. रूटर पे गाएंगे सारे गाने, रूटर का लिंक हम लोग ने डाल दिया है. फ्री स्ट्रीम होगी हमारी, एकदम फ्री स्ट्रीम. बढ़िया गाते हो भाई. कल मैंने बेंचर श्रीमान लेजेंड की कोई तो ऐसे ही पुरानी स्ट्रीम देख रहा था, उस पर किसी ने लिखा होली वाला हाईलाइट देख रहा. भाई तुम देखो यार, एक सेकंड देखो जरा, देखो. कॉपीराइट मत मारना श्रीमान दादा, बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ, एक सेकंड बस दिखा रहा हूँ लोगों को, ठीक है? मेरी गांड फट गई. मेरा दिल गांड फट गया, मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है. मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है. क्या ये पर सामने, क्या है आदमी है क्या ये? आते हो पर सामने जब, क्या है क्या ये आदमी? आते हो कुछ भी कहने से डरता है. ओ मेरे साजन,
हाँ मेरे साजन 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 मेरे साजन। अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। और हाइड्रा की चर्चा क्या है, मतलब लास्ट मैच जब चल रहा क्या मतलब क्या तेज हो गई थी उनकी, और क्यों कर रहे हैं हम लोग स्ट्रीमिंग वगैरह, अगर वो जीत उनकी सुनिश्चित कर पाए कि जी हाँ, इसलिए मराठी स्ट्रीम नहीं करता मैं, यही रीजन। जी हाँ, अगर देखा जाए इस पूरे सिनेरियो के अंदर टीम हाइड्रा, लेकिन उन्होंने काफी जोरदार पाए तेवढे पसरे पांघरून तेवढं घ्यायचं, जेवढे पाय पाय पसरतात तेवढंच पांघरून घ्यायचं, ऐसा कुछ तो है वैसा, वो है वो। सेक्सी हुडी इज बाय डिल्यूजन नाम की कंपनी है, डिल्यूजन, उधर जाके चेक कर सकते हैं। सोल नहीं है भाई, सेकंड मैच से है, अभी नहीं है, साइकिल चला रहे, क्या बात है निंजा। अच्छा है, प्रैक्टिस करो, टीएक्स से निकाला तो वही करना पड़ेगा। आई मीन टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। इधर शुरुआत में ही का काम हो चुका था मेरा दिन, जितना चादर है उतने पैर फैलाओ, करेक्ट, यस। टीम को और इस टीम को थोड़ा सा क्या गाता है यार भिंचोद, तरीके से खेलना होगा मेरा, ऐसा गूज़बम्स आ गए जैसे उसने चालू किया, मेरा दिल भी जैसे चालू किया ना उसने, ऐसे गया मेरी बॉडी। शायद इधर प्लान बन रहा है, देखना होगा कि ग्लोबल स्पोर्ट्स का प्लान इस स्टेज के लिए क्या रहता है। उनके चारों तरफ हालांकि कोई ज्यादा टीम है नहीं, तो श्रीमान वो कॉन्सर्ट करेंगे, मेरे को लगता है वो ड्रेक जैसा ना लड़के अपना अंडरवेयर फेंकेंगे उनके ऊपर, जो कि हम लोगों को मिलता है श्रीमान दादा, काफी क्लोज है टीम TWO भी, तो क्या उनके बीच में आए मैच देखते हैं वो देखना होगा। बस हो गया, मैं मस्ती मैच देखते हैं, कोशिश करेंगे तो नो डाउट TWO भी कोशिश कर रहा है। देखिए प्रिंस यहां पर लीडरशिप के अंडर काफी बार हमने देखा है, स्टार्टिंग काफी बेहतर था, जिसके चलते TWOB ने भी अपना जो दूसरा और तीसरा दिन थोड़ा सा खराब से गए थे, लेकिन उसके बावजूद पहले दिन की मेहनत उनकी रंग लाती है TWOB की, जिसके चलते उनका नाम भी हमें वो 24 की लिस्ट में। दादा क्यों बोलेंगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कितने श्रीमान दादा, मतलब ये नहीं है कि लड़की लाइन नहीं मारेगी उनके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको श्रीमान दादा बोलेंगे। हमें समाप्त होता नजर आएगा पर टीम अपने आठ टोटल इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इवन इफ यू लाइक हिम, लाइक यू नो, अगर टीम अपने आप टॉप 16 पे रख पाती है इन अ दैट वाइंग बट काइंड ऑफ अ वे, इट इज स्टिल श्रीमान दादा, इट इज रिस्पेक्ट। जो हमारा मंडे रहेगा, इट इज नॉट शुरुआत होगी बड़े भाई वाला दादा, इट इज रिस्पेक्ट वाला दादा, इट इज रिस्पेक्ट वाला नाम, श्रीमान श्रीमान भाऊ या श्रीमान दादा, इज रिस्पेक्ट। हमारा ग्रैंड फाइनल चलेगा यहां से, और मुझे लग रहा है कि उसका मौका फायदा उठा लेना चाहिए यहां पर टीम्स को अभी से। श्रीमान दादा जेवलेस का रिस्पेक्ट होता है उसमें, रिस्पेक्ट, इवन दो यू आर ट्राइंग टू हिट ऑन हिम, इट इज स्टिल रिस्पेक्ट मिला होगा, और टीम्स अभी बहुत ज्यादा फ्रेश भी फील कर रहे होंगे, तो खेलेंगे एकदम टॉप तरीके से ऑन व्हाट बेसिस, और 62 प्लेयर्स अभी भी हैं, और उसी के साथ टीम्स क्या था क्वेश्चन लाइव, क्योंकि उतरते ही वो जो एक दो फाइट्स हुए थे उसके बाद और कोई ज्यादा फाइट देखने के लिए मिला नहीं, और ये एक अच्छी बात भी है, लाइक थोड़ा सा लूट कर लीजिए उसके बाद मैच देखिए, ये कोई भी टीम के लिए एक अच्छा डिसीजन होता है। बट साउथ ईस्टर्न साइड पे टीम हाइड्रा मिल्टा पावर का एरिया पूरा कैप्चर करके रखे और उसी जगह पे होल्ड करेंगे। टीम WSB की अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम अभी के टाइम की अगर बात किया जाए, दिल भी तो जिस तरीके से खेले, क्या गाया है यार, गान फट गई यार सुन के, ऐसे ही रैंडम में उनका देख रहा था, किसी ने टाइम स्टैम्प दिया, क्या आवाज है, मैंने टाइम स्टैम्प पे क्लिक किया, डायरेक्ट गाना चालू हुआ, उसी के साथ साथ क्या गाता है आदमी, सब कुछ कहने की काफी ऑन पॉइंट इनसेन, और जब ऑन पॉइंट रहता है सब कुछ तब धड़कन सुनो उसके पीछे आप श्रीमान आप का सक्सेस भागता है, तो कुछ इतना प्यार नहीं है मेरे को, मतलब अच्छे लगते हैं एज अ स्ट्रीमर वो, बट ये सेमीफाइनल देखते हैं किस तरीके का रहेगा उनका धड़कन वड़कन। लूट तो चलिए ठीक ठाक हो चुका है इनके पास, अगर देखा जाए लाइक क्लोज रेंज के लिए S12K भी मौजूद है, वैसा टाइप का प्यार नहीं करता मैं श्रीमान दादा से स्प्रे करने के लिए, तो सब मिला के अगर देखा जाए लूट तो इनके पास आ चुका है, दूर दूर तक कोई ज्यादा प्लेयर है भी नहीं, तो थोड़ा सा तो टाइम है इनके पास और फर्स्ट स्टेज भी खत्म होने वाला है कुछ देर के अंदर। अच्छा सॉन्ग की बात है, ओ सॉन्ग है, अच्छा रोजॉक और सॉरी सॉन्ग है, अच्छा देखते हैं देखते हैं अगले मैच से गाइस। जी हां नेक्स्ट मैच ऑनवर्ड आपको ग्रुप डी के यार, विक्की भाई क्या करते हो यार, बॉम्बे विक्की भाई यार फिर से सैंडविच भेज दियो यार, शुक्रिया यार, क्या बात है यार, क्या बात है, सारे गाने बाय द वे तुम लोग को मैं बताऊं उस दिन इंतजार कीजिए, लेकिन तब तक जब तक आप आए मैं तुम लोग को बताता हूं, जुड़े हैं तो मेक श्योर, सबसे बस रिक्वेस्ट है आपको दिखाता हूं कितने कितने कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े हैं उस दिन हमारे, जो बीच माय लवर्स है उस दिन हमारे स्ट्रीम तक आएंगे और जुड़ेंगे, टीम का जो नाम है कहां है कंटेंट, आए हम रूटर पे गाएंगे क्योंकि
थोड़ा ना कंफ्यूज आता हूं कि मॉर्टिगन ये देखे क्या बात है। इसलिए मैडमैन जैसे ही उतरते हैं सामने कॉपीराइट स्ट्राइक देखे धड़ाम धुड़ुम बैन का क्यों मार्केट। इसलिए हम लोग अब नहीं बच पाएंगे और रूटर पे करेंगे ठीक है। रूटर पे नजर नहीं आ रही देख रूटर वर्दी करिए तीसरा खिलाड़ी भी मतलब इस लॉबी सगड़ी गाड़ी रूटर वर्दी करिए। 8 बिट की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद टीम एक्स पार्क का वो नाम रहेगा और दूसरी तरफ केनन की हमने भी बैटल की बात की थी। केनन के आसपास कोई नहीं है तो टीडब्ल्यू अभी अप्रोच करती है और अभी गले एक भयंकर श्रीमान दादा मोर लाइक श्रीमान डैडी मैंने नहीं बोला है सुपर चैट वाले ने बोला होगा कि किस तरीके से संभालेंगे। कैप क्वालिटी मस्त है भाई। रिक्वेस्ट है एक 100 थीव्स की येलो वाली कैप है वैसी भी एक लॉन्च करो। कौन सी बट फिर भी मेरे मोनाली जी को लिंक भेजिए करना होगा अगर ये फाइट मतलब ऑब्वियसली वी विल नॉट डू द सेम थिंग बट इफ दैट इज अ डिजाइन यू लाइक यू कैन सेंड इट टू मोनाली जी आई विल स्टूडियो ही दिखा दिया। अरे तो क्या है छुपाने का क्या है भूपेश ऑनेस्ट स्ट्रीमिंग ऑनेस्ट अभी सीधा मैंने बता दिया है कि देखो इसके बाद मैं रूटर शिफ्ट करूंगा पैसा कमाने का बात किया जाए सीधा बता दिया क्लियरली नो लाइज नो हाइडिंग ऑनेस्ट स्ट्रीमर। थोड़ा सा मुश्किल में है एसेटल के कैप्स में तेरा फेवरेट कौन सा है। मेरा फेवरेट वो एक ब्लू और पर्पल कलर कैप है चुम्मा कैप है वो मस्त कैप है कल ही मैंने पहना था। बट मेरे को एक बात बताओ जतिन भाई उस दिन हम लोग ने बहुत लंबा डिस्कशन किया सबसे पहले डू यू नॉट अग्री ओ नो ओमेगा सीजी ओमेगा ओ नो लेकिन डू यू नॉट अग्री इनसेन के साथ कार्निवल बट द क्वालिटी ऑफ द कैप इज फकिंग इनसेन डू यू नॉट अग्री। Do you not agree? The packaging and the quality of that cap is insane. Do you not agree? Honestly, मेरे को बताओ. Crazy quality है caps की. Crazy. Top 3 इस game में आएंगे CG, GE और Hydra. CG, GE और Hydra. प्लीज गिफ्ट कर देना एक टोपी लगाऊंगा टोपी दूंगा आपको मैं कोई टेंशन नहीं देता भाई। बाकी टीम्स तो देखिए फाइट में इन्वॉल्वमेंट है लेकिन कुछ कुछ टीम्स है जैसे हाइड्रा हो आपको पैसे नहीं मिलते का कॉपीराइट होने पर सुपर जेट के पैसे आते हैं ऐड रेवेन्यू नहीं आता कॉपीराइट मिलने पर और ऐड रेवेन्यू बहुत चुतिया सा अमाउंट होता है तो हम लोग मतलब वो इग्नोर कर सकते हो तुम ऐड रेवेन्यू पैन वगैरह भी किए जा रहे हैं। जी हां देखिए इधर कहने के चारों तरफ कलेश ही कलेश। कृतिका के रील वाला आइडिया किसका था रिबेल का था मतलब वो पूरा ट्रेंड का आइडिया करने का टोपियों के साथ मेरा था बट वो जो खुश होंगे पर्टिकुलर ढूंढा वो रिबेल ने ढूंढा। देखिए इधर पॉइंट्स आना जरूरी है लेकिन इनके एकदम क्लोज है। इधर व्हेन आर द पेंडेंट्स गेटिंग लॉन्च्ड वेरी सून दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड आई थिंक इनकी अगर बात करें एक मैच में जिस तरीके आई थिंक ओनली 100 पीसेस दो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे को कंफर्म नहीं है 100 या ऐसा कुछ तो लिमिटेड पीसेस है एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव इट इज गोइंग टू बी अ डिसेंट प्राइस तो आई थिंक इट इज लिमिटेड पीसेस आई एम नॉट श्योर इट इज गोइंग टू बी लिमिटेड पीसेस आई थिंक सिर्फ 100 है आई थिंक सिर्फ 100 है जस्ट बता रहा हूँ मैं तो चेक मतलब देख लेना मेरे को लग रहा है सिर्फ 100 है यस इट्स अ लिमिटेड रिलीज टेंटेटिव प्राइस आई एम नॉट श्योर मेरे को पता नहीं है मैं बोल नहीं सकता अभी। फर्स्ट आई बाइड वन कैप एंड टू बी ऑनेस्ट मार्क कसम क्वालिटी बहुत अच्छी है 1000 इज लेस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी नाउ टोटल 5 कैप कलेक्शन ऑफ एसेटल। जतिन भाई थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस सुपर चैट आई कीप टेलिंग द पीपल प्राइस के हिसाब से दोस्तों मैं ये अगेन वापस नहीं बोलूंगा इज चीप और नॉट आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप लेना लेकिन आरएनटी फाइट निकाल लेगा देखना बट प्राइस के हिसाब से बहुत क्रेजी क्वालिटी है कैप्स की बहुत क्रेजी क्वालिटी तो अगर ले सकते हो तो ले लेना। डाउन किया गया और उसी के साथ कैफ की तरफ से पैन किया गया हालांकि नॉक थे फेयरेस और उनको इधर फिनिश किए पूरा बहुत 100 बहुत कम होगा आई थिंक लिमिटेड क्वांटिटी तो है को इसके पहले बहुत धूम मचाते हुए देखने के लिए मिला चेक कर रहा हूं मैं आई थिंक ये सिचुएशन देखते हुए लग नहीं रहा कि उस तरीके का सिनेरियो कुछ बनेगा क्योंकि दो टीम्स हैं 4v4 का और बीच में सिर्फ यही दो प्लेयर ठीक है आई थिंक ज्यादा है दोनों ही टीम्स के लिए स्पैम कर रहे हैं जारी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत अगर कनेक्शन बन जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं आई डोंट थिंक 100 है 100 से ज्यादा है
अलाइव है कैप, बट वही है कि लिमिटेड है क्वांटिटी, झूठ नहीं बोलूंगा, क्वांटिटी लिमिटेड तो है, पर वो नाम भी मुझे लग रहा है, तो अगर ले सकते हो तो ले लेना प्लीज जल्दी, कंपाउंड से बैठे ना उन्होंने रेवेनेंट, ले सकते हो तो ले लेना, सोल एलिमिनेटेड, सोल खेल ही नहीं रही है, सेकंड थर्ड फोर्थ मैच है सोल का, एसिटल कोलाबिन्स आई हैव नो आइडिया, मैंने पूछा ही नहीं है गोल्डी भाई को इस बार, मेरे को कुछ चुतरे सा लीक नहीं करना, मैंने पूछा ही नहीं है। जतिन भाई 10 मेंबरशिप, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी ऑन एसिटल मर्च एंड ऑन एसिटल कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑन एसिटल मेंबर्स, अप्रिशिएटेड जतिन भाई, थैंक यू फॉर द लव वी आर, बिकॉज यू आर अप्रिशिएटेड, थैंक यू, आई होप यू लाइक द कैप, आई होप यू लाइक द पैकेजिंग, आई होप यू वेयर इट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड शो ऑफ बैंच कि देखो मेरे पास है, अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। देखिए कभी कभार हो जाता है इधर के, हर एक चीज आप पूरे परफेक्शन के साथ कभी कभार नहीं कर पाते, बट वही बात है, आगे से ध्यान रखना होगा क्योंकि पहला ही जस्ट मुकाबला है और अभी भी काफी, व्हाई नॉट लॉन्च सोल जर्सी एट अ हाई प्राइस, जी जर्सी एट 2-3K, इट इज नॉट अबाउट उनके ऊपर, शायद एक हम लोगों को स्लैम देखने के लिए मिल सकता है लॉन्चिंग इट एट अ हाई प्राइस, मैं आपको कितने बार बता चुका हूं, लॉक भी निकाल दिया जाएगा, आखिरी प्लेयर एक सेकंड रुको रहने वाले हैं टीम डब्ल्यूएसबी की तरफ से और इनके लिए मुश्किलें देखिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पीछे से पुश और उसी के साथ होगा इधर समाप्ति, ब्यूटीफुल, इट इज नॉट अबाउट लॉन्चिंग इट एट अ हाई प्राइस, इट इज अबाउट finding a right price point for the quality that we want to sell, which is why it is taking time, it will come out, when it will come out pricing ke hisab se quality match karegi, that is what I keep trying to tell you, क्वालिटी अच्छी रखनी है, अच्छे क्वालिटी के हिसाब से प्राइसिंग भी डिसेंट रखनी है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि प्राइसिंग भी नीचे लेके आए और क्वालिटी भी ऊपर लेके जाए, इसके लिए टाइम लग रहा है, आई होप आप समझ पाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइसिंग कम कर पाए जितनी हो सके, क्वालिटी बढ़ा पाए जितनी ज्यादा हो सके, तो वो हम लोग को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जब मिल जाएगा आपको वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आए मैच देखते हैं, मैच ब्यूटीफुल चल रही है, क्या बात है, K9 के पास एक फ्रैग है, इनसेन के पास तीन, वन गेम ई स्पोर्ट्स ने बाय द वे मेरे को परसों पूछा था आप कास्टिंग के लिए आओगे, और वो मैसेज को रिप्लाई करने के पहले उन्होंने वो मैसेज डिलीट कर दिया था, तो मिड वे उन्होंने रिलीज कर दिया कि गलती कर रहे हैं हम लोग, थैंक यू वन गेम ई स्पोर्ट्स फॉर गिविंग मी एंड नॉट गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, अप्रिशिएटेड। देखिए सारा वक्त इधर नहीं लगेगा, लेकिन वही बात है, थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करना होगा, टीम स्काईफॉल की अगर बात करें नॉर्दर्न साइड में हुआ डिलीट हो गया था, रिप्लाई करने के पहले मैसेज डिलीट कर दिया था, कार्निवल गेमिंग जिस तरीके से उनका रोटेशन आ रहा है, अप्रिशिएट कि एक हम लोगों को नॉर्दर्न साइड, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर ऑफ सोल विनिंग बीजेएस, वी विल सी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, लेकिन आज जो जोन है इनसे, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, शेड्यूल भी आ चुका है, हमारे मैचेस कब है वो भी पता चल चुका है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, के साथ ही खुश रहना होगा फिलहाल के लिए, टीम एक्सपार्क वर्सेस टीम K9, बाइड क्या होता है, गवार के बच्चे बॉट होता है, अरे भाई इंग्लिश नहीं होगी अच्छी, ठीक है तो क्या हुआ, पैसा है उसके पास, 5 टोपिया लिए 5,000 रुपए उड़ाए, या तो उसका पैसा है तो उसके बाप का पैसा है, जिसका भी पैसा है उसके पास, कर लेगा कुछ ना कुछ लाइफ में, बार बार देख रहा हूँ बाइड 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 गवार, क्या इंग्लिश थोड़ा नहीं आता, तो ठीक है यार हिंदी आती होगी अच्छे से, ट्राई तो कर रहा है लिखने का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसको इंग्लिश अगर नहीं आती ना बात करने का बोलने का तरीका, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, गवार वार बोलने की गरज नहीं है, बोल सकते हो ठीक से कि अरे ब्रो बाइड नहीं होता बॉट होता है, इंग्लिश वो समझ जाएगा, दिमाग में उसके आ जाएगा कि अरे हाँ ओ गलती होगी मेरे से, अगले बार ध्यान में रखेगा, वैसा मजाक उड़ाने का जरूरत नहीं है, मेरे सामने तुम इंग्लिश में मुंह खोलोगे तो तुम्हारी तो टट्टी निकल जाएगी, समझ रहे हो, अभी तो फिर भी थोड़ी सी कम है मेरी इंग्लिश, बट यूके में जो मैं इंग्लिश बोलता था मेरे सामने बोलोगे तो मुझ जाओगे, मैं तो ग्रामर वैमर सब कुछ प्रोनाउंसिएशन सब कुछ निकालूंगा, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है, मजाक उड़ाने के जरिए बोल दो कि अरे कोई बात नहीं यार बॉट होता है, बोल दो ठीक है, ब्रो आई एम अ सोल फैन फ्रॉम 2018 एट द टाइम आई वाज अर्निंग एनीथिंग, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टुडे आई अर्न डीसेंट एंड एसेटल इज जस्ट लाइक माय ओन फैमिली एंड मर्च, लेना तो बनता ही है, तो सी जतिन भाई बोल रहे हैं ही इज अर्निंग राइट नाउ, इंग्लिश उनके इंग्लिश के हिसाब से कम पैसा कम रहे या ऐसा कुछ है नहीं ना, कमा रहे ठीक है, इंडिया में रहते हैं हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी कम है इंग्लिश तो चलता है, बताओ उनको कह रहे आपसे गलती होगी, मैं भी यहाँ पे कोई कुछ गलत करता तो मैं बताता हूँ, कह रहे ये प्रोनाउंसिएशन तूने ठीक से नहीं किया, ठीक कर देते हैं वो अगले बार उसके बाद, ठीक है कोई बात नहीं, गेमर एक्स मायावी कैन वी गेट टू सी सोल अंडरगार्मेंट्स इन द फ्यूचर, श्योर या कर सकते हैं,
लाइसेंस इधर थोड़ा बहुत जब दिल के पास और नुन्नू के पास दोनों के पास इधर 47 आप अभी भी अलाइव है पता नहीं मतलब हो सकता है मेरे को पता नहीं नो अपडेट ऑन माय ऑर्डर मैं भेजता हूँ मोनाली जी को प्लीज आप भेज सकते हैं ऑर्डर नंबर आपका मैं ग्रुप में भेज दूंगा इंग्लिश ना आके भी 1.3 सीआर का पैकेज लेके बैठा हूँ क्या बात यार जतिन भाई शो द फकिंग हेटर्स बेंच देर करोड़ इधर जाएगा जोन तुम लोगों को दिखा था माउस क्या नहीं दिखा दिखा था पहले कर दिया था मैंने पहले कर दिया था इधर ठीक है एनीवे 1.3 सीआर का पैकेज एग्जैक्टली जतिन भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ जतिन भाई इनसेन जतिन भाई वही तो दैट्स द थिंग जतिन भाई 1.3 सीआर का पैकेज जतिन भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट शो देम फकिंग हेटर्स ब्रो जतिन भाई 1.3 सीआर इनसेन ब्रदर 1.3 सीआर का पैकेज व्हाट द फक ब्रो इनसेन दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट शो देम फकिंग हेटर्स ब्रो शो देम हेटर्स जितना कठिन हो जतिन भाई फॉर द विन उसके पहले उनको फिरना होगा क्या बात है जतिन भाई वेरी हैप्पी फॉर यू क्या बात है एक नंबर जतिन भाई बात है जो लय है इनका बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला है मोमेंटम उन्होंने क्रिएट किया है बट मैक अकेले प्लेयर थे शुरुआती नॉक निकाले हैं सीजी का फॉल के ऊपर अगर वो फिनिश कर पाते हैं तो वो एक बहुमूल्य इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो है उनको मिलता हुआ देखने के लिए मिलेगा आप ये देखिए ना केवल उन्हें स्काई फॉल को यहाँ पर वॉन कर दिया है सीजी गेमिंग में स्पॉट करें कि कहाँ से ये गोलीबारी भारत भारत भाई सिट भाई ट्रैवलिंग इंडिया टुनाइट जातिर भाई ट्रबल क्रिएट करते हैं बेटर कि वहां से आप एस्केप करें तो बेहतर रहेगा लेकिन कॉबलिन ने स्पॉट कर दिया टीम हाइट रॉक के खिलाड़ियों को तो उनसे आप ड्रीम्स है सामने कप्तानी निभाने के लिए तैयार बट एक और बुलेट अगर लग जाती 90% से भी सिट भाई ट्रैवलिंग इंडिया टुनाइट एनी चांस आई कैन गेट द कैब डिलीवर्ड ऑन और बिफोर 10th अप्रैल इफ आई ऑर्डर नाउ लोकेशन इंदौर और मुंबई बिटवीन 11 to 14 भरत भाई प्लीज गेट इन टच विद मोनाली जी मोनाली जी मेरे को भरत भाई के डिटेल्स भेज दो आई विल गेट इट आई विल मेक इट हैपन भरत भाई के लिए मेक आई विल मेक इट हैपन आई प्रॉमिस यू प्लीज आप मैं मोनाली जी को मैसेज करूं पीछे अरे यार क्या हो रहा है किसने भेजा ये भी विकी ने भेजा है अरे विकी भाई यार मत करो मतलब करो काम तमाम हो जाएगा ऐसा बोलना पड़ता है स्ट्रीम पे मत करो यार थैंक यू यार बट कर करो कर सकते हो मतलब तुम्हारे ऊपर अगर आया तो बीच में रॉकेट चाहिए वो बहुत क्लोज इधर मौजूद थे तुम्हारा रॉकेट नहीं है तरफ हाइड्रा इधर चढ़ता हुआ टीम इनसेन के ऊपर और टीम इनसेन वर्सेस हाइड्रा का एक बहुत ही सारा जबरदस्त फाइट सिट बैक बिग फैन ऑल ओवर फ्रॉम यूएसए थैंक यू लाइनस बाय अप्रिशिएट इट थैंक यू दैट मैन फॉर द 1000 शुरुआत में नॉक्स निकाले थैंक यू लाइनस बाय फॉर द $10 इनसेन की तरफ से वो रिटेलिएशन आया और उसके बाद उन्होंने एलिमिनेट भी कर दिया टीम हाइड्रा सीजी बचे हैं दो लोग बचे जबरदस्त खेल Same here, sit by from 2018 Soul fans started earning in 2023 now buying every merchandise from Soul to India to Mumbai Indians. क्या बात है? मैं आपको बताऊँ एक चीज क्यों? See, I can't talk about women, okay? But for men, it is about growing up, making money. उसके ऊपर वो जिम्मेदारी सो दैट हम हमारे बचपन के सपने नॉट बचपन के सपने बट जो बचपन में हमको करना था ना वो कर पाए डोंट यू अग्री आई थिंक दैट इज फॉर मेन दैट इज व्हाट ग्रोइंग अप इज कन्वर्जन में हो सकता है क्योंकि अभी भी खाता कि गेट एवरीथिंग वी वांटेड टू एज किड्स किसी और ने जिसने नॉकआउट निकाला था यानी मेडल ईस्पोर्ट देखिए हिल टॉप पे बने हुए जब स्कूल में थे शायद सिद्धेश भाई या जतिन भाई और अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब वो बड़े हो गए पैसे कमा रहे वो चीज कर रहे हैं जो उनको स्कूल में करनी थी आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज फॉर अस मेन आई डोंट नो अबाउट वुमेन आई कांट आंसर ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन बट फॉर मेन दैट इज व्हाट इट वर्क्स यू नो योर गेमिंग स्टफ गेमिंग सेटअप बनवाना गेमिंग रूम बनवाना प्ले स्टेशन लेना गाड़ी लेना ये सब तुमको तब लेना था जब तुम 10 साल के थे हर एक चीज के पास वो एक फ्रैग है और तब तुमको लगता है कि बड़े हो गए यार मस्त अच्छा लग रहा है बड़े हो गए अभी हम लोग अप्रैल इफ आई ऑर्डर नाउ लोकेशन इंदौर और मुंबई बीटीडब्ल्यू 11 to 14 एवरीथिंग तुम तुम्हारे सपने सोचो तुमको
दुबई घूमना है तो इसलिए घूमना है क्योंकि बचपन में तुमने टीवी पे कहीं पे देखा था कि कोई दुबई गया है, या कोई तुम्हारा अमीर दोस्त अपने माँ बाप के साथ दुबई गया था, तो इसके लिए अब तुमको पैसे कमाने दुबई इसलिए जाना है क्योंकि तुमको 10 साल की उम्र में तुम्हारी गांड जली थी कि तुम्हारा नेबर कोई पैसे वाला अपने माँ बाप के साथ दुबई वेकेशन करने गया था गाड़ी लेके जाते हुए, जिसके वजह से कहने की दिक्कतें तो क्रिएट हो रहा है। और ये दोनों एडवांटेज के चलते है ना, मतलब प्लस वन आई मीन यूक्रेन ब्रो, नाइस यार, इमोशनल कर दिया। मतलब कभी कभी सोचता हूँ यार मैं कि जो भी मेरे को अभी चाहिए वो मेरे को अभी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को बचपन में चाहिए था। मैं हमेशा मिनी कूपर जो बोलता हूँ कि मिनी कूपर मेरी ड्रीम कार है, मेरी ड्रीम कार है, मेरी ड्रीम कार है, वो इसलिए है क्योंकि मैं बचपन में मिस्टर बीन को चलाते हुए देखता था। मेरे को हर बंदे ने बोल दिया कि वो अच्छी गाड़ी नहीं है, पैसे वेस्ट करोगे, नहीं लेने वर्थ नहीं है, ये है वो है, बट मुझे लेनी है क्योंकि मैं बचपन में देखता था और जीत इसलिए मुझे लेनी है वो मिनी कूपर, क्योंकि मैं बचपन में मैंने सपना देखा था कि मेरे को मिनी कूपर चाहिए मेरे गैराज में, क्योंकि मैं मिस्टर बीन को देखता था। जतिन भाई जावा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वेब डेवलपमेंट एंड रिएक्ट जस्ट एंगुलर इज बैकएंड में मोंगो डीबी भी आता है इंटरव्यू अरेंज कर। आपको कैसे मालूम पड़ा जतिन भाई कहाँ काम कर रहे हैं? वो सपोर्ट प्रोवाइड करे लेकिन बाकी, अरे जतिन भाई अब 1.5 करोड़ कहाँ पे कमा रहे हैं आपको क्या मालूम? या एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट वगैरह कहाँ लिख दिए हो? खिलाड़ी बस नजर आ रहे बट काइलो को निकलना पड़ेगा। कोई जतिन भाई पता नहीं रियल एस्टेट में काम कर रहे होंगे, अपने को थोड़ी मालूम है। इस बार डॉक्यूमेंट्री बनेगी, बन सकती है। जी कहा जी जिंदा जी, अच्छा खेल रही है। 8 किलो लोग डिले में है क्या? जी अच्छा खेल रही है, जी ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा है और मुझे लगता है बीजेएस में भी बहुत अच्छा करेगी जी, मुझे लगता है कि अच्छा करेगी जी काफी। Should I have saved about 2100 for the pendant? Will it be enough? I don't know the price. मिडिल क्लास में पैदा हुआ था, खुद तो स्पोर्ट में नहीं आ सकता, बट अपने लोंडो लोंडे को जरूर बनाऊंगा। यार हो चुका है तो एलिमिनेशन, बट टीम जीरो अब ऐसा लग रहा है कि आप बड़े हो गए हो, तो आई थिंक आपने अब ये बोल रहे हो, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मिडिल क्लास वगैरह का कुछ लेना देना है यार। 90% ऑडियंस जो ऑडियंस नहीं, जो प्रो प्लेयर्स बने हैं वो सारे मिडिल क्लास या गरीबी से ही निकले। बहुत कम लोग हैं जो पहले से थोड़े बहुत वेल ऑफ थे, बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत कम। लेकिन ये होने वाला है शायद उनका पहला फाइट। ई-स्पोर्ट्स ऑलवेज बीन अ पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री, उसमें पैसा, गरीबी, घर, डिवाइस मैटर नहीं किया कभी किसी के लिए। नहीं कितना भी बोल दो डिवाइस 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 डिवाइस, जो अभी के तुमको प्रो प्लेयर्स दिख रहे हैं ना, जो अभी टॉप पे बैठे हैं, तुम मॉर्टल ले लो या तुम स्टार्टिंग कहीं से, मतलब कोई झाटू चीज से ही की थी वो लोग ने। अगर डिवाइस इशू बोलना है, जितना भी एक्सक्यूजेस देने दे सकते हो, फॉर मी इट इज एक्सक्यूजेस ओनली, मानो या ना मानो, बट जो डिसाइड करता है ना कि मेरे को कुछ करना है वो करता है। कप्पा है अभी चैट में, कप्पा है चैट में ना, कप्पा से पूछ लेना। अभी का कैसा ना, अभी का जनरेशन थोड़ा अलग है, मैं आपको देखो बताता हूँ, अभी का जनरेशन थोड़ा सा अलग है। अभी जो प्रो प्लेयर बन जाता है T3 T2 में भी आ जाता है, उसको डिवाइस मिल जाता है। कप्पा और मैं वो जनरेशन से है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अरे बहन चोद 14 की, कप्पा और मैं वो जनरेशन से हैं जहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्लेस में 10,000 रुपए जीतने के लिए 15,000 रुपए खर्चा करके जाते थे एज अ टीम। हम लोग वो जनरेशन से, हम लोग वो जनरेशन से है जहाँ पे इवेंट में जाने के लिए हमारे पास खुद के माउस नहीं होते थे, तो हम लोग कैफे वालों से भीख मांग के, रिक्वेस्ट करके माउस रेंट पे भी नहीं, भीख मांगते थे कि प्लीज दे दो यार ये इवेंट के लिए लेके जाना है। हम लोग वो जनरेशन से, 26 पॉइंट निकाल दिए कप्पा जी में, उसने जो किया वो फिर भी किया, मैंने ये इंडस्ट्री में जो करना था फिर भी किया। और सेमीफाइनल का शुरुआत देखिए, तो इसे कहते हैं कमबैक, और इसे कहते हैं तू से शिट लाइक डिवाइस मैटर करता है, मानो या ना मानो, इज बुलशिट। इफ यू डिसाइड यू वांट टू मेक इट, यू विल मेक इट, और यू विल यू नो जस्ट सिट एट होम एंड टॉक अबाउट ओ मेरा डिवाइस, मेरा ये, मेरा वो,
क्योंकि नॉर्दर्न साइड में शिवरनी में उतर ऑल आई एम सेइंग गाना कौन सा गाना गाना है जाने के पहले गाना गा के जाएंगे इसके बाद हम लोग रूटर शिफ्ट करने वाले हैं बट वही है कि अपॉर्चुनिटी गाना कौन सा गाना बोला था अपने को रुको ऊपर एक गाने का रिक्वेस्ट आई थी रिक्वेस्ट कंप्लीट करके हम लोग छोड़ दो आज लेकिन जब आपके पास स्टार्टिंग में क्या सूरत है मेरे को अभी ट्यून नहीं याद है वो गानों की बट वी विल ट्राई वी कैन ट्राई वी कैन ट्राई डिवाइस मैटर्स तो बहनचोद मेक योर सेल्फ एट अ लेवल जहाँ पे तुम अच्छा डिवाइस ले पाओ डिवाइस मैटर करता है अगर आपने बिलीव कर लिया डिवाइस मैटर करता है तो वो लेवल पे जाओ झाटू डिवाइस के साथ जहाँ पे आपको डिवाइस मिल जाए फक ऑल पीसी सेटअप्स ट्रैवलिंग के वंदे कितने और टूर्नामेंट जितने का पैसे लेट नाइट रेलवे स्टेशन पे वेट किया है सुबह के फर्स्ट टीम स्टार्ट हो गया और फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट होगा और घर जाएंगे क्योंकि टैक्सी के लिए पैसे वेस्ट नहीं एग्जैक्टली मतलब ब्रो वी कम फ्रॉम द जनरेशन जो क्या बताओ तुम लोग को यार अभी बहुत ईजी है ये सब बोलना कि अरे डिवाइस मैटर करता है और ये ब्रो हम लोग ने क्या क्या किया है तुम लोग को मालूम नहीं आधे इवेंट्स में तो पैसे भी नहीं मिलते थे ब्रो माउस मिलता था या बैंडचोद माउस पैड मिलता था एक इवेंट इंडिया में ऐसे हुआ है जहां पे टायर दिए टायर ट्रक के टायर डू यू नो आई स्टार्टेड रनिंग एट अ बेस पैकेज ऑफ 19 LP एट द टाइम आई वांटेड पैकेज इन क्रोज आई लेफ्ट दैट कंपनी एंड जॉइंड अ स्टार्टअप ओ यू आर डूइंग फकिंग इनसेन यार क्या बात है कांग्रेस सर जतिन भाई ब्यूटीफुल बहुत गन की क्वेश्चन में ड्रॉप करा अफोर्ड नहीं कर सकते दैट्स व्हाई आई सेड आई एम नॉट जजिंग यू दैट इज ओके मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मिडिल क्लास शुडंट बी द वो मत रखो दिमाग में मिडिल क्लास वाला करना है तो कर सकते हो मतलब कोई बात नहीं होता है बट ठीक है आई हैव बीन फैन ऑफ एसिडल फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन ऑगस्ट क्या बात है एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग माई बेबी मीट द एंटायर एसेट यू एल पलेश भाई नाम क्या रख रहे हो बेबी का वो बताओ नाम क्या रख रहे हो पूछ रहा हूं बस इसे यार क्या सूरत है कैरियो के वर्जन नहीं दिख रहा है भाई इसका तो मेरे को लेकिन ट्यून ही नहीं याद इसका तो ट्यून मेरे को याद नहीं है क्या गाना था यार ये क्या सेक्सी गाना था यार क्या सूरत है क्या सूरत है क्या सूरत है बेबे नो वन सो सेक्सी इन द होल गैलेक्सी यू मेक माय हार्ट गो बीटिंग हार्डर क्या सूरत है क्या सूरत है क्या सूरत है बेबे आई डोंट नो व्हाट टू डू वन रियल हॉट किस फ्रॉम यू आई माइट गो क्रेजी माइट गो स्मार्टर बस गाना था ये बट इसका मेरे को ट्यून नहीं आता बेंचो बट दूसरा गाना कौन सा दिया था क्लासिक को ही तो गाना दिया था यार छोड़ दो आंचल छोड़ दो आंचल कैरियोके ये कौन सा आंचल छोड़ रहा है एक सेकंड ये गलत आंचल है भाई वो वाला नहीं मिल रहा छोड़ दो आंचल किसका गाना है जमाना अरे वो तो रिमिक्स है रिमिक्स वाले का नहीं मिलेगा कैरियोके नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ईयर्स ब्लीडिंग मैन ईयर्स ब्लीडिंग नहीं मिलेगा उसका वाला नहीं मिलेगा थैंक यू विकी भाई विकी जॉर्ड लिखा हुआ है कप पे अप्रिशिएट इट थैंक यू वेरी मच बॉयज वी आर नाउ शिफ्टिंग टू रूटर मैंने पहले ही बोला था बहुत क्लियरली सोल के मैचेस है अब लाइन में तीन अगर आप लोग देखना चाहते हो अगर मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूँ अगर आप चाहते हो कि मैं पैसा कमा रहा हूँ और भूख से ना मर जाओ तो आप लोग रूटर पे अभी आ सकते हैं मैं रूटर पे शिफ्ट कर रहा हूँ आई विल गो ऑन रूटर लिंक इज इन द पिंड कॉमेंट्स नॉट रूटर प्रो रूटर फ्री नॉट रूटर प्रो अगर आप चाहते हो कि मैं डेली अच्छे से खाना खाऊं और मेरे प्लेट में मेरे को हॉट कप्पा नूडल्स ना खाने पड़े तो आप लोग रूटर पे आ सकते हो बाकी तुम लोग के ऊपर है ऐसा कुछ है नहीं तुम लोग के ऊपर है शर्म कर 1 लाख कमा रहा है मेरे 170,000 मेरे EMI जाते हैं महीने के तो जो 70,000 बचा हुआ है वो आप You can come and try to make it on my router. Not router pro, router only, router free, not pro, only free. लड़का होगा तो व्योम सोचा है लड़की हो तो टियारा सोचा है क्या बात है टियारा बहुत अच्छा नाम है व्योम भी अच्छा नाम है और
सारे एसेटियल से मिलाना है। तो पलस भाई आप कहाँ से हो मेरे को पता नहीं, बट जाने के पहले मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, अगर एसेडियल फेस्ट पे आप पाओ अपने बेबी को लेके, तो आई विल मेक श्योर पलस भाई योर बेबी मीट्स द एंटायर एसेडियल एंड गेट्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंटायर एसेडियल। अगर आप मुंबई के हो, आई डोंट नो वेर यूर फ्रॉम, अगर आप मुंबई के हो या मुंबई अगर आप आए ड्यूरिंग एसेडियल फेस्ट, आई विल मेक श्योर योर बेबी meets the entire SATL, gets a picture with the entire SATL, and if you are going to come, mereko agar mereko advance mein pata chala ki you are going to come at the SATL fest, I will make sure entire SATL gets some baby gifts for your baby also. Appreciate all the love jahan pe, it is an insane feeling to know that there is somebody out there who wants their newborn baby to meet us. बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है, बहुत ज्यादा। थैंक यू। कभी है फेस्ट? आई थिंक मई जून के टाइम होगा टेंटेटिवली, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, टेंटेटिवली मई जून के टाइम होगा। तो बहुत अच्छा फीलिंग है कि देयर इज समबडी आउट देयर हु वांट्स देयर बेबी, देयर न्यू बॉर्न चाइल्ड टू मीट एसेडियल। इनसेन 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 फीलिंग। इफ यू कैन मेक इट एसेडियल फेस्ट में, मुंबई में है अगला वाला, आई विल मेक श्योर एंटायर एसेडियल मेक श्योर बेबी। I promise you, I will make sure ki we get something for your baby also, and blessings bhi aapke baby ko mile. I will make sure. Bahut acha feeling hai ye. Honestly, congratulations Palash bhai, sab acha ho. I hope, I wish, and sab kuch good feeling yaar, good feeling. Come on router, we are going to router. Router mein jayenge, theek hai? In like yeah, ekdam turant ye stream end hogi, wahan pe stream चालू हो की, ठीक है, बाय। बबल बबल कर तेरा ये गॉड लेन तम, गदर गदर मच रहा है जल रहा जिसम, जान ले के ही रहेगी तेरा ये चलन, हाय कितना है नरम तेरा गॉड लेन तम। के बीट तुझसे मिल रहे हैं, ये स्वर्ग है या नरक हम तो जी रहे हैं, रख दे मेरे फेस पे ये मटके जैसा बम, हाय गॉड लीन तम तेरा गॉड लीन तम। डिगर 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 हिल रहा है, लेकिन डिगर 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 हिल रहा है, लेकर 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 खेल रहा है। जब करती है तो मूव ये दुनिया कहती है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, अब लग चुकी है आग, मुझे बनना है तेरा महबूब महबूब महबूब, मच जाता है